मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने की बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के कुछ मुद्दों पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री रविवार को हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौर पर शिमला जाने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 अगस्त दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जाकर नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि नई राष्ट्रपति की अगुवाई में देश आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अधिकारियों ने इसे सौजन्य मुलाकात बताया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक खास हस्तशिल्प भेंट किया है। इस दौरान किसी खास एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि बातचीत के दौरान प्रदेश से जुड़े कुछ विषयों पर बातचीत की बात सामने आ रही है। बातचीत का ब्यौरा सामने नहीं आया है। बता दें कि इन दिनों महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिसके तहत वो दिल्ली में राहुल प्रियंका से भी मिले हैं।